नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे लोग इसको चुनावी लवली पॉप समझेंगे और बहुत सारे लोग तमाम तथाकथित विद्वगण जो हैं अलग अलग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो बहरहाल प्रतिक्रिया से हटकर थोड़ा सा अगर हम एक सही अवलोकन करें तो वहां से कुछ जो निष्कर्ष हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रवैये की ओर जाएगा, सकारात्मक रास्ते की ओर जाएगा। हुआ क्या था, आज मैं आपको तीन वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर के आया हूं। एक तो आपकी यूपी में बेसिक टीचर वैकेंसी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, कल इसको लेकर के ट्विटर अभियान बहुत बड़ा है और सरकार ने उससे पहले ही अभी कल जैसे यूपी पुलिस में एक ट्विटर अभियान चल रहा था, ठीक है परसों की बात है, उसमें पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उसका खंडन कर दिया गया कि यह सब निराधार है, कोई वैकेंसी आप कह रहे हैं नहीं हुई पांच सालों में, इतनी वैकेंसी हमने कराई। तो कल इसको लेकर के एक ट्विटर अभियान रखा गया था टीचिंग जॉब को लेकर के। तो उस ट्विटर अभियान से पहले आज प्रमुख अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ अपनी बात को तरजीह दे दी, सरकार के रवैये को पहले ही चीजें स्पष्ट उसने कर दी। अब यह सरकार का रवैया रहा या सरकार के साथ साथ आपकी अन्य चीजें देखने को मिली। दूसरी, आपकी वैकेंसी यूपी में एडेड जो है स्कूल जितने भी है इनमें प्रिंसिपल के पोस्ट बहुत पहले से खाली थी और जो 1500 वैकेंसी आपकी चल रही थी वो अभी प्रोसेस में है और टीचर की भी जॉब खाली है, बहुत वैकेंसी खाली है, प्रिंसिपल की काफी पोस्ट खाली हुई थी। और साथ ही साथ तीसरी आपकी एनबीएस को लेकर के अपडेट, तीन टीचिंग जॉब। अभी हुआ क्या, कल मुझे एक बच्चे ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, बहराइच जिले में अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा क्या शुरू किया गया, यूपी गवर्नमेंट ने आपके एक जैसे अभी तक शिक्षा मित्र होते थे ना, तो ऐसे अभी आपका एक जो है शिक्षक मित्र, ठीक है शिक्षक साथी नाम की एक पहल शुरू की है। तो उसने मुझे बहराइच जिले में निकले आपके पदों के बारे में विवरण भेजा था और पूछा था कि सर क्या बेसिक में आपकी जो है टीचिंग की जॉब आ सकती है या गवर्नमेंट आपका ये जो पहल लेकर के चल रही है उसी को लेकर के चलेगी। तो तमाम चीजों को लेकर के थोड़ा सा मैं अपडेट, देखो 2024 का चुनाव है, आपको इस माइंड से समझना है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी बड़ी वैकेंसी आपकी नहीं आई है। तो गवर्नमेंट के सामने मुद्दा तो कहीं ना कहीं चुनाव का है और यूपी जैसे स्टेट में अगर आपको चुनाव जीतना है तो चुनाव के लिए नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है। यहां युवाओं की भीड़ है और युवा लगभग युवा वर्ग अभी तैयारी में ही लगा है, वो 40 तक तैयारी में लगा रहता है, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वो धीरे धीरे आपका अन्य रुख अपनाने लगता है। लेकिन 30 से 40 तक का भी जो ये आपका एक तरीके से पूरा का पूरा हम आयु वर्ग देखें तो वो भी आयु वर्ग बहुत बड़ा आयु वर्ग कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की ओर बढ़ जाता है। अभी मैं आपसे कुछ जो है बेसिक बेसिक चीजों की बात करूं, जैसे आज प्रमुख हेड जो आपके न्यूज़पेपर है उनमें आपकी हेडलाइन देखने को मिल रही 2024 से पहले होगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। देखो गवर्नमेंट को करना ही करना पड़ेगा, ये इनके पास कोई विकल्प है नहीं। इसमें हुआ क्या, ठीक है शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा तलब किया गया है, 1,64,000 से अधिक शिक्षकों को तैनाती दे दी गई है, लेकिन अभी आपका फिर से किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 51,000 से ज्यादा शिक्षकों के रिक्त पद खाली हैं वर्तमान में। लोग जो है विधानसभा में भी इसकी अपडेट दी गई थी, उसका भी काफी वायरल हुआ था, ठीक है शिक्षा मंत्री ने जब सूचना दी थी कि कितने पद आपके यूपी में बेसिक में खाली है तो 51,000 पद, और राजकीय विद्यालय जितने भी हैं आपके, ठीक है जीआईसी वाले, इसमें भी 7,400 जो है 71 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में पीजीटी में 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद हैं। हालांकि एलटी में ज्यादा पद है, एलटी की भी वैकेंसी आपकी आनी ही आनी है, बस उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो मामला था वो थोड़ा सा लटका हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलटी आपकी नवंबर में देखने को मिल जाएगी, पूरी उम्मीद है कि एलटी की वैकेंसी आपको नवंबर में देख, जीआईसी की वैकेंसी में थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा, जीआईसी की वैकेंसी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप जो नया वर्ष आपका आ रहा है, नए वर्ष में आपको टीचिंग में, ठीक है अगर ये इधर वाला दिसंबर तक आपका इसका टीजीटी पीजीटी करवा लेते हैं, वैसे तो बहुत कम संभावना बन रही, तो आपको टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आपको अगले साल में ठीक मिलेगी, अगले साल में ठीक ठाक वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की भी फिर से रिपीट होगी। और जैसे बेसिक की बात करें तो 51,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, यहां 51,000 लिखा गया, ज्यादा पद रिक्त है, और एलटी ग्रेड में 5,256 8,000 के करीब पद आपके हैं, लेकिन अधियाचन आयोग को कम मिला था, 4,800 पदों का अधियाचन गया था, उसमें कुछ चीजें बढ़ चुकी हैं, तो 5,256 पद हैं एलटी में, ठीक है ये। अब इसमें जैसे बात किया जाए कि
इसमें 15 वर्षों में जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं माध्यमिक में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। एडेड की भी मैं बात बताऊंगा, तो ये जल्द ही शिक्षकों की भर्ती गवर्नमेंट करने जा रही है। इसको लेकर के 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है और 44,000 से अधिक आपके अध्यापकों की तैनाती माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में दी गई है, ठीक है। और इस समय विभागीय सूत्रों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली, ठीक है। तो ये चीजें जो आपकी आ रही हैं लगातार देखने को, कहीं ना कहीं इससे दूसरी चीज आपका दूसरा पेपर है, इसमें भी आपकी बहुत बड़ी हेडलाइन दी गई है, ठीक है, कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती। ये डन है, होना है तो होना है, इसमें आप चुनावी लालीपाप को मत समझिए, ठीक है। जो चीजें चल रही है, हालांकि गवर्नमेंट ने जो पिछले कई सालों से किया है तो हमारा रवैया नकारात्मक बन चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा सकारात्मक, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है यार। कौन सी वैकेंसी इन्होंने कर लिया? कोई भी वैकेंसी तो इन्होंने किया नहीं है अभी। जितनी भी उसमें भी 69,000 वाले में तमाम चीजें आपकी चल रही है, दो दो तीन तीन केस चल रहे हैं, उस पर भी फाइनल किया ही नहीं है। जो बच्चे जीते हैं वो भी अपनी उसी आस में बैठे हैं। एक नंबर आपके दो क्वेश्चन से इन्होंने गलत किए थे, एक को मान लिया, एक को माना ही नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजें चल रही है, तो शिक्षकों के पद 51,000 से ज्यादा खाली है, लेकिन 51,000 लिख रहे, 51,000 ही दे दें यार, तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इस सांस में बैठे हैं कि नहीं भाई हम अपना सब कुछ छोड़ के अभी टीचिंग जॉब में लगे हैं, तो कम से कम उनका तो भला हो, किसी को तो नौकरी मिलनी चाहिए। आज के विषय में यूपी जैसे राज्य में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने ज्यादा प्रतियोगी छात्र हो, वहां किसी का तो भला होना चाहिए, वैकेंसी आनी ही आनी चाहिए। ट्विटर अभियान मेरे हिसाब से किया भी जाना चाहिए और भरपूर करिए आप लोग, बंपर तरीके से ट्विटर अभियान चलाइए, क्योंकि गवर्नमेंट पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा ना। अभी वरुण गांधी का ट्वीट मैं देख रहा था, उस दिन उन्होंने किया था कि गवर्नमेंट, एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर के उन्होंने किया था कि जब युवा मांग रहे हैं तो आप उनको बता रहे हो कि नहीं नौकरियां दे दी गई हैं, वो सड़क पर उतर आए तो आप कहोगे कि ये संकट मोचक बन गए हैं। बात उनकी भी सही है, एकदम सही है भाई, कौन नहीं जानना सरकार की चीजों को लगातार जैसा ये करती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में तो द्वंद्व पला ही जो है पल ही रहा है। अभी एससी वगैरह में आपकी ठीक ठाक वैकेंसी आई है, तो जिनकी एज होगी उसकी वीडियो वगैरह पड़ी है आप लोग डाल दीजिएगा, जिनकी आयु है, ठीक है, 18 से 40, उसमें भी मांगा है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है, तो जिन लोगों ने स्टेनो वगैरह सीख रखा है तो वो लोग अप्लाई कर सकते। साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी और मैं आपको बात करूं तो जो एडेड आपके अल्पसंख्यक विद्यालय हैं इनसे भी रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, ठीक है। इसमें हुआ क्या, प्रदेश भर के जितने भी आपके जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ठीक है, इनसे प्राथमिक क्या किया गया है कि अशासकीय प्राप्त जो आपके विद्यालय हैं एडेड हैं इनसे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है और इसे मंडलीय शिक्षा रूप से, ठीक है, संयुक्त शिक्षा निदेशकों के माध्यम से 31 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक निदेशालय को क्या करना है, मेल भी कर देना है। 31 अक्टूबर तक इसकी तिथि रखी गई है कि आप खाली पदों का अधियाचन शासन को भेज दीजिए। अब इस पर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एडेड में, तो मैंने बहुत पहले से कह रहा हूं कि एडेड में प्रिंसिपल के बहुत सारी पोस्ट खाली है। प्रिंसिपल के लिए मान लीजिए कुछ अनुभव मांग रहा, लेकिन इसमें शिक्षकों के भी पद काफी ज्यादा खाली है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, जैसे एक आपका एनबीएस संगठन, ठीक है, केबीएस और एनबीएस में केबीएस की वैकेंसी भी आनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों सितंबर माह से ही अटका पड़ा हुआ है। केबीएस में भी ठीक ठाक पद आपके आने हैं। एनबीएस की अगर मैं बात करूं तो एनबीएस में जो है देखा जाए 700 विद्यालयों में खाली और नए पद सृजित कर एक योजना इसने बनाई है, ठीक है, कि एनबीएस में हम बंपर तरीके से भर्ती करेंगे। इसमें आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके की आपकी पोस्ट खाली है, ठीक है, और अगले साल फरवरी तक इनका भरने का आपका पूरा लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं एनबीएस संगठन से भी आपकी वैकेंसी आनी, केबीएस की भी वैकेंसी आपकी आनी, तो आपके सामने कई इधर वैकेंसी लगातार हो जाएंगी टीचिंग जॉब में, ठीक है। यूपी बेसिक की हो जाएगी, एडेड की भी वैकेंसी आनी है आपकी, जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी की अप्लाई कर रखा है उनकी भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी वाला मामला, मतलब सब कुछ वो हो जाएगा, और मार्च से पहले जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक है, जो एक मैं अवलोकन सामान्य सा कर पा रहा हूं, मुझे लगता है मार्च से पहले सारी वैकेंसीज जो भी आपकी आएंगी इनके एग्जाम भी पड़ेंगे। तो आप लोग जो लोग लगातार तैयारी में बने हैं वो थोड़ी मेहनत बढ़ा दें, और जो लोग अभी तक ये हट के सोच रहे हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा है, जैसे सुपर टेट वाला बैच हम लोग बहुत पहले से चला रहे हैं, उसमें लगभग कोर्स को हमने इसीलिए कंप्लीट कर दिया कि भाई आप लोग रिवीजन करते रहो, उनके रिवीजन की क्लासेस शुरू हैं। आपके अन्य जैसे सीटेट वाला आ गया जिनका क्वालिफाई नहीं है, सीटेट वाले बैच से जोड़ सकते हो। एलटी वाला जीएस का बैच इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। जैसे बीओ की वैकेंसी आपकी आनी है,
ठीक है। तो बीओ की वैकेंसी जनवरी तक जा रही है, थोड़ा सा खींच रहा है मामला, तो बीओ की वैकेंसी जनवरी तक जा रही है। जीआईसी वाली वैकेंसी थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा लेट उसमें जाएगा जीआईसी वाले में, हालांकि पद काफी खाली है। एलटी की वैकेंसी मुझे लगता है इस माह नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है, तो एलटी वाला जीएस वाला पोर्शन हम लोगों ने पहले स्टार्ट कर दिया था, बाकी सब्जेक्टिव वाला जब आपकी वैकेंसी क्लेरिफिकेशन होती है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो एनवीएस में भी आपका बहुत अच्छे पद आ रहे हैं एनवीएस के लिए। देखो ये सारी चीजें आप तैयार करते रहोगे अपना वाला पूरा पोर्शन, तो एनवीएस वाले में भी आपकी जिनकी जैसी एज है भाई, टीचिंग में एज है, नॉन टीचिंग में एज है, उस हिसाब से आप अप्लाई करके यह भी एक मौका बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जॉब आपकी कई आएंगी, अच्छी खासी जॉब आपकी आ रही है, और साथ ही साथ जैसे कल जो मुझे एक जो है किसी छात्र ने भेजा था कि सर ये इसका वाला अपडेट दीजिए, तो मैंने देखा बहराइच के जिले से आपका निकला हुआ था शिक्षक साथी वाला, कि इस गवर्नमेंट शिक्षक साथी उस पर भी बहुत कड़ी आलोचना गवर्नमेंट की, इसी को लेकर के ट्विटर अभियान आपका चल रहा है, तो ट्विटर अभियान में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव ये रहिए कि वैकेंसी तो डन है, इनको देना ही देना पड़ेगा। आप लोग तैयारी पर अपने विशेष तौर पर फोकस हो जाएं, 2024 का चुनाव सामने है और उत्तर प्रदेश में अगर बड़ी वैकेंसी आप नहीं दे रहे हो ना तो चुनाव जीतना भूल जाइए, क्योंकि आज का युवा वर्ग सबके सब आपके कहीं ना कहीं खार खाए बैठे हैं और इनको चाहिए आपकी एक बड़ी भर्ती, जो लगातार गवर्नमेंट अटकाए बैठी हुई है किसी भी विभाग में जब वैकेंसी नहीं आई है, तो 24 का जो आपका पूरा का पूरा माहौल होगा वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पक्ष में जाएगा, और सकारात्मक पक्ष में इसमें जाएगा क्योंकि सरकार की मजबूरी है। अब ये जितने दिन तक टालना था टाल चुके हैं, सब्र का भी एक सीमा होती है, तो सब्र की सीमा टूटने वाली है। इसीलिए मेरा तो यही आप सभी को जो है कहना है कि एक सही पॉजिटिव वे में बढ़िए और अपनी तैयारी को थोड़ा सा दिशा दीजिए, ठीक है। सारी चीजों से आप मुक्त हो चुके हैं, इधर त्योहार वगैरह भी हो चुके हैं, अगला त्योहार होली तक एक लक्ष्य बनाइए, सटीक बढ़िया और जबरदस्त तरीके से लक्ष्य। संस्थान के द्वारा आपके भिन्न भिन्न तमाम तरीके के कोर्सों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जो है जो संचालन चल रहा है कोर्सों का, एक बढ़िया दिशा निर्देशन में और बढ़िया रणनीति के साथ चल रहा है। कोर्सेज से आप जुड़िए और अपनी तैयारी को दीजिए। आप स्वयं से पढ़ रहे तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि नहीं भैया हम किसी कोर्स में जुड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। देखो स्वयं से तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अनुभव हमेशा व्यक्ति को ऊपर ही ले जाता है, और इस समय जो चीजें आपके अंदर चल रही है, सारे जो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जो उनके अंदर द्वंद्व पल रहा है, उस द्वंद्व को आप समाप्त करिए और अपने आप को एक सकारात्मक कदम की ओर मोड़िए। इसके बारे में अन्य कोई जानकारी होती है तो उसको लेकर के मैं तत्काल तौर पर आपके समक्ष पुनः मिलूंगा। आज के लिए बस इसी अपडेट के साथ आप सभी से विदा ले रहा हूं, पुनः मिलता हूं एक नए अपडेट के साथ, एक नई जो है वैकेंसी में जिसमें कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन मिले। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नीचे नंबर चल रहा है, कोई भी आपकी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में अपना आप कमेंट डाल दीजिए, नीचे नंबर चल रहा है, जैसे कोर्स वगैरह में पूछना है या आपकी कोई भी अदर जानकारी, ऐसा नहीं कि आप कोर्स हमसे जुड़ेंगे तभी हम आपकी कोई क्वेरी समाप्त करेंगे, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे संस्थान के नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करिए, हम आपके उस समस्या का समाधान करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात एक नई जॉब के अपडेट के साथ होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अन्य अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक इसमें नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से टेलीग्राम चैनल पर भी बन जाइए, जहां पर आपको तमाम खबरों के बारे में समय समय पर अपडेट दिया जाता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।